विद्यां च अविद्यां च यस्तु देदो भयं सह अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्या मृतमश्नुते। अर्थात कर्म और अकर्म का वास्तविक रहस्य समझने में बड़े बड़े बुद्धिमान पुरुष भी भूल कर बैठते हैं। इसी कारण कर्म रहस्य से अनभिज्ञ ज्ञानाभिमानी मनुष्य कर्म को ब्रह्म ज्ञान में बाधक समझ लेते हैं और अपने वर्णाश्रम उचित आवश्यक कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देते हैं। परंतु इस प्रकार के त्याग से उन्हें त्याग का यथार्थ फल कर्मबंधन से छुटकारा नहीं मिलता। इसी प्रकार ज्ञान यानी अकर्मावस्था निष्कर्म अवस्था का तत्व न समझने के कारण मनुष्य अपने को ज्ञानी तथा संसार से ऊपर उठे हुए मान लेते हैं। अतः वे या तो अपने को पुण्य पाप से अल्पित मानकर मनमाने कर्म आचरण में प्रवृत्त हो जाते हैं या कर्मों को भार रूप समझकर उन्हें छोड़ देते हैं और आलस्य निद्रा तथा प्रमाद में अपने दुर्लभ मानव जीवन के अमूल्य समय को नष्ट कर देते हैं। इन दोनों प्रकार के अनर्थों से बचने का एकमात्र उपाय कर्म और ज्ञान के रहस्य को साथ साथ समझकर उनका यथा योग्य अनुष्ठान करना ही है। इसलिए इस मंत्र में यह कहा गया है कि जो मनुष्य इन दोनों के तत्व को एक ही साथ भली भांति समझ लेता है वह अपने वर्णाश्रम और परिस्थिति के अनुरूप शास्त्र विहित कर्मों का स्वरूपतः त्याग नहीं करता बल्कि उनमें कर्तापन के अभिमान से तथा राग द्वेष और फल कामना से रहित होकर उनका यथा योग्य आचरण करता है। इससे उसकी जीवन यात्रा भी सुखपूर्वक चलती है और इस भाव से कर्म अनुष्ठान करने के फलस्वरूप उसका अंतःकरण समस्त दुर्गुणों एवं विकारों से रहित होकर अत्यंत निर्मल हो जाता है और भगवत कृपा से वह मृत्युमय संसार से सहज ही तर जाता है। इस कर्म साधन के साथ ही साथ विवेक वैराग्य संपन्न होकर निरंतर ब्रह्म विचार रूप ज्ञानाभ्यास करते रहने से श्री परमेश्वर के यथार्थ ज्ञान का उदय होने पर वह शीघ्र ही परब्रह्म परमेश्वर को साक्षात प्राप्त कर लेता है।